हाँ जी नमस्कार बच्चों, आज हमें ये क्वेश्चन करना है और ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्सिटी का शायद ये पार्ट 5 है ना। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने काफी सारे क्वेश्चंस भाई किए थे और मैंने कुछ होमवर्क के में भी आपको दिया था, ठीक है। तो ये करेंगे और आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस चैप्टर को फिनिश कर दूं, ठीक है। अच्छा, और ये चैप्टर खत्म करना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसके बाद मुझे फिफ्थ चैप्टर कराना है, डिफरेंशिएशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि उसको करने के बाद आपको मैं ये बता दूं फिफ्थ चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट्थ, नाइन्थ पांचों एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। लेकिन आप कहोगे जब वो इतना इंपॉर्टेंट था तो ये क्यों कराया, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो आपको पांचवा चैप्टर समझ में ही नहीं आएगा। बहुत सारी बातें पांचवें चैप्टर की समझ में नहीं आएगी, मतलब क्योंकि जब आप ये इन्वर्स ट्रिगो करोगे तभी आप 5.3, 5.4, 5.5 ये सारे क्वेश्चन कर पाओगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है प्यारे बच्चों। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हमें इस पूरे को प्यारे बच्चों सॉल्व करके यहां तक पहुंचना है ना। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मैं क्या जानता हूं, मैं ये जानता हूं कि भाई कॉट अपॉन में साइन, ओ सॉरी सॉरी गलत बोल दिया, कॉस अपॉन में साइन कॉट होता है। कॉस अपॉन में साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो मुझे ना इस पूरे को कॉट तक पहुंचाना है, तो मेरी नजरें काम कैसे करेंगी इसको कॉट तक पहुंचाने में, कुछ तो सोचना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों मेरे दिमाग में एक बात आई, मैं ऊपर कॉस बना सकता हूं कैसे, ऐसे देखो, अगर मैं इस वन को देखना जरा, क्या ये आपको ये वाला रिलेशन पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, पता है, ठीक है। अगर मैं इस वन को कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू लिख दूं तो क्या कोई भी फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्यों, तब भी तो बात वही है। अरे यार, कॉस आगे साइन पीछे लिख दो तब भी तो बात वही है। अच्छा, अब बात आ रही है कॉस आगे साइन पीछे, क्यों, क्योंकि मेरे को ऊपर कॉस चाहिए और नीचे साइन चाहिए, तभी तो कॉट बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब आता है ये साइन एक्स, तो अगर मैंने आप लोगों को साइन टू थीटा का फॉर्मूला पढ़ाया था, टू साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, लेकिन अगर वही साइन थीटा हो तो एंगल क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो बस क्या मैं इस साइन एक्स को टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, जल्दी बता दो, लिख सकता हूं, चलो। प्लस इसी तरीके से इसको भी ओपन कर दो, कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन में सेम चीज यहां पे भी करो, कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू। अच्छा हाँ, एक बात और बताना चाहूंगा कि आखिरकार ये एंगल हमने एक्स बाय टू ही क्यों लिया, एक्स बाय टू ही क्यों लिया, क्योंकि हमें प्रूफ कहां पे जाना है, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, सॉरी प्लस नहीं आएगा माइनस है, साइन स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू, सही बात है, चलो कवर कर दिया। हाँ जी, कॉट इनवर्स एक्स, हाँ जी जल्दी बताओ, क्या ये आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी लग रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल। फिर इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस एक्स बाय टू माइनस है तो माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, सेम केस इसके साथ भी, एक्स बाय टू साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर माइनस कॉस एक्स बाय टू साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, ये लो, रूट से स्क्वायर, रूट से स्क्वायर, रूट से स्क्वायर, रूट से स्क्वायर, तो क्या बचा, कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाय टू साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू, कॉस एक्स बाय टू साइन एक्स बाय टू, और जब ये माइनस करेगा तो माइनस का कॉस एक्स बाय टू हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स बाय टू हो जाएगा, यहां तक समझते हो, चलो। साइन से साइन कटा, कॉस से कॉस कटा, कॉट इनवर्स एक और दो, दो कॉस एक्स बाय टू, ठीक है, साइन और साइन दो साइन एक्स बाय टू, है ना, दो से दो कटा, अब आपको तो मैंने बता ही रखा है कि कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट एक्स बाय टू, कॉट से कॉट एक्स बाय टू, हैंस प्रूव्ड, है इजी, है ना इजी। इस तरीके से ये एकदम नकली क्वेश्चन आपके सामने बनता है, दिखने में लगता है इतना टफ लेकिन करने में क्या होता है, बहुत ज्यादा आसान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
चलिए 11वां क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है, बस हमें थोड़ा सा इसके ऊपर देखना है। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा ये। तू भी देख। हाँ जी ये देख लो भाई। हाँ ये क्वेश्चन आ गया अब हमारे सामने, ये भी कुछ पिछले क्वेश्चन जैसा ही लग रहा है, लेकिन हमें पहुंचना कहाँ तक है? कॉस तक। हमें जब कॉस तक पहुंचना है तो हमारे भाई यहीं पे कहानी शुरू होती है इस प्रकार से कि इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो एलएचएस में पुट करो एक्स बराबर कॉस टू थीटा। क्या पुट करो? कॉस टू थीटा, बस बात खत्म। अंडर रूट वन प्लस कॉस टू थीटा, वन माइनस कॉस टू थीटा, वन प्लस कॉस टू थीटा, वन माइनस कॉस टू थीटा। अब अपना बचपन याद कर लो फटाफट जल्दी फुर्ती से। कॉस टू थीटा के दो फॉर्मूले पढ़ाए गए थे, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, याद है? अच्छा अब ये माइनस वन उठा के इस तरफ ले आओ, देखो प्लस का हो जाएगा, किसके बराबर आएगा? तो देखो वन प्लस कॉस टू थीटा किसके बराबर आया, ठीक है? अगर इसको उठा के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या बनेगा? टू साइन स्क्वायर थीटा, और इसको उठा के वहां वन माइनस कॉस टू थीटा। तो देखो वन माइनस कॉस टू थीटा किसके बराबर आएगा? टू साइन स्क्वायर थीटा। तो बस बात खत्म। ये फॉर्मूला कहाँ सीखा था हमने? 11th में। तो वन प्लस कॉस टू थीटा की वैल्यू क्या है? टू कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या है? टू साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या है? टू कॉस स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अभी तो देखो टेन इनवर्स, भाई क्या मैं इसको रूट टू कॉस थीटा लिख सकता हूँ, रूट टू साइन थीटा लिख सकता हूँ, रूट टू कॉस थीटा प्लस रूट टू साइन थीटा, हाँ कि ना? ऊपर से कॉमन जल्दी बताओ क्या आ रहा है? रूट टू, और नीचे से कॉमन क्या आ रहा है? बस अब तो आपको पता ही है, कैंसिल आउट, सॉरी, ठीक है ये कैंसिल आउट। अब आपको मैंने ये सिचुएशन 2.2 में करवाई थी, ये सिचुएशन 2.2 में करवाई थी, क्या कि हमें इसको 10 का हिस्सा बनाना है। किसका हिस्सा बनाना है? तो 10 कैसे बन सकता है? साइन अपॉन में कॉस। 10 कैसे बन सकता है? तो क्या मैं इस पूरे को कॉस से डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत है? नहीं, क्यों? क्योंकि हम तो बैलेंस करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि हम क्या करते हुए चल रहे हैं? बैलेंस करते हुए चल रहे हैं, ठीक है? तो चलिए डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है? तो टेन इनवर्स कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कुछ यही है बनेगा, हाँ कि ना? बोलो। टेन इनवर्स कॉस से कॉस कटा वन, साइन अपॉन कॉस टेन, कॉस से कॉस कटा वन, साइन अपॉन कॉस। अच्छा क्या ये आपको फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है? कैसे? देखो इसके मल्टीपल में वन होगा कि नहीं होगा जल्दी बता दो, होगा ना? ठीक है, तो अगर इसको मैं इस प्रकार से लिख दूं, मुझे पता है वन की वैल्यू टेन में कहां पर होती है? टेन पाई बाय फोर पर, हाँ कि ना? इस वन को वन रहने दो, इस वन को टेन पाई बाय फोर लिख दो, और टेन थीटा। तो देखो आपके सामने एक फॉर्मूला बन गया, टेन ए माइनस टेन बी वन प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है? तो क्या मैं इसको टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिख सकता हूँ? जल्दी बोलो, हाँ कि ना? टेन से टेन कट गया, पाई बाय फोर माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे। कैसे कैसे निकालेंगे? इस प्रकार से एक्स बराबर कॉस टू थीटा है ना, तो पहले कॉस को उठा के यहां ले जाओ तो क्या बनेगा? कॉस इनवर्स एक्स टू थीटा, फिर टू यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड कर दो, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई? थीटा की वैल्यू आ गई किसके बराबर? वन बाय टू कॉस इनवर्स एक्स। क्या यही प्रूफ करना था? हो गया, है ना? बिल्कुल नकली क्वेश्चन। चलो करो इसे फटाफट नोट करो। हाँ जी, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 तो मैं करवा चुका था, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। करवाऊंगा ए वाला, ए बी वाला भी करवाऊंगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भाई? 2
टू टेन इनवर्स कॉस एक्स बराबर टेन इनवर्स टू कॉसेक एक्स। देखो इसको प्रूफ करने के दो तरीके हैं, लेकिन मैं सबसे इजी वाले तरीके से सिखा देता हूँ, है ना। अच्छा अब एक बात बताओ मुझे, आप लोगों ने अपने बचपन से ही ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, टू टेन इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है? टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्स की जगह पे कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? कॉस एक्स पार्टिसिपेट कर रहा है ना। पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? कॉस एक्स। तो ये बन जाएगा क्या? टेन इनवर्स टू कॉस एक्स वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर टेन इनवर्स टू कॉस एक्स, है ना। अच्छा टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल आउट होता है, दिख रहा है, ठीक है। तो देखो टू कॉस एक्स, अच्छा बच्चों वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है जल्दी बताओ? साइन स्क्वायर एक्स। और कॉस एक्स क्या होता है? वन अपॉन में साइन एक्स, हाँ कि ना। अच्छा एक साइन से एक साइन काट दूं तो बचेगा क्या? टू, भाई क्या बचेगा? टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स बराबर टू वन जा टू, टू से टू कट गया वन। कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट एक्स बराबर वन, हाँ भाई। कॉट एक्स की वैल्यू वन कितने पे होती है? पाई बाय फोर पे। एक्स की वैल्यू कितनी आई? पाई बाय फोर करो, होती कोई नहीं, कर ले अब। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13, नहीं क्वेश्चन नंबर 14 तो हो गया, 13 तो करवा दिया। हाँ क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? टेन इनवर्स वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स बराबर, प्रूफ करना है वन बाय टू टेन इनवर्स एक्स के बराबर, प्रूफ करना है हमें, इसके बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। वेरी नकली क्वेश्चन। अच्छा बच्चों मुझे एक सिंपल सी बात बताना, एक सिंपल सी बात बताओ। ये देखो मुझे इतना बताओ, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई और वन प्लस में एक्स वाई किसके बराबर होता है? टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, रुको मैं और बड़ा लिखता हूं इसको भाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई और वन प्लस एक्स माइनस वाई किसके बराबर होता है? जल्दी बताना मुझे, जल्दी बताओ। ये होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई के बराबर होता है, हाँ कि ना, इसी के बराबर होता है, ठीक है भाई। जब ये पूरा फॉर्मूला इसके बराबर होता है तो जरा गौर से देखना, ध्यान देना, इधर देखो, इधर इसको देखो, जरा इसको देखना, क्या ये आपको एक्स माइनस वाई वन प्लस एक्स वाई, अब कहोगे अरे एक्स वाई कहाँ है? अरे भाई तो अगर मैं इसके साथ जबरदस्ती मल्टीप्लाई में वन ले लूं तो क्या कोई भी फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वन तो किसी का भी मल्टीपल बन सकता है, और जब वन किसी का भी मल्टीपल बन सकता है तो क्या ये हिस्सा इस फॉर्मूले जैसा नहीं लग रहा आपको? बिल्कुल लग रहा है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं टेन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पे कौन है? वन, माइनस टेन इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स वाई की जगह पे कौन है? एक्स। सही बात है, बन गया कि नहीं बन गया फॉर्मूला? ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना यहाँ, वन बाय टू टेन इनवर्स एक्स, हाँ भाई टेन इनवर्स वन क्या होता है? पाई बाय फोर, ये माइनस का टेन एक्स, टेन इनवर्स एक्स वहां जाके किसका हो जाएगा? प्लस का टेन इनवर्स एक्स पाई बाय फोर, हाँ भाई ये एक बार टेन इनवर्स एक्स, ये आधे बार, तो एक और आधा क्या होता है? डेढ़। तो क्या मैं इसको थ्री बाय टू टेन इनवर्स एक्स लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ये थ्री बाय टू इस तरफ ले आओ तो पलट जाएगा, तो पाई बाय फोर पलट गया तो टू बाय थ्री, हाँ कि ना। अरे इस तरफ बराबर किस तरफ आके पलट जाएगा? टू से इसको काटेंगे तो कितना आएगा? टू, ये हो जाएगा पाई सिक्स टेन इनवर्स एक्स, भाई ये इतना बन गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, टेन इनवर्स को उठा के यहां लाएंगे, तो टेन पाई बाय सिक्स इज इक्वल टू एक्स, और टेन पाई बाय सिक्स का मतलब होता है टेन थर्टी, और टेन थर्टी कितना होता है? रूट थ्री, एक्स की वैल्यू रूट थ्री करो, है ना। आसान क्वेश्चन, बस पहचानना आना चाहिए। एक मिनट बच्चों, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अरे यार रूट थ्री तो 60 पे होता है, 30 पे तो वन बाय रूट थ्री होता है, 30 पे वन बाय रूट थ्री होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 15,
हमने मिसलेनियस के भाई सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर लिए हैं, है ना। बाकी इसके क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करना। अब मैं कुछ अलग-अलग टाइप के स्पेशल क्वेश्चंस करवा देता हूं, ठीक है? कुछ अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस करवा देता हूं मैं आप लोगों को, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखो, क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था यानी मिसलेनियस का 16वां, साइन इनवर्स 1 - x + सॉरी -2 sin इनवर्स, ये ना 2 sin इनवर्स x बराबर π/2, बराबर π/2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है, ठीक है? कैसे करें इस क्वेश्चन को, तो देखो पहले क्या करो, पहले ना आप एक काम करो, लेट करो, इसको छोटा करने की कोशिश करो। साइन इनवर्स एक्स इसमें सबसे छोटा एंगल है, इसको वाई के बराबर ले लो, या थीटा ले लो, चलो क्या ले लो, थीटा। साइन उधर लेके जाओगे, साइन थीटा बराबर किसके आ जाएगा, एक्स के बराबर आ जाएगा। चलो नाउ अब एक काम करना, साइन इनवर्स 1 - x - 2 sin इनवर्स x = π/2। तो ये बन गया आपका साइन इनवर्स 1 - x - 2। साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर लिया है, साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर लेट किया है, थीटा के। तो यहां पे थीटा पुट कर दो, क्या पुट कर दो, थीटा। अब ये माइनस का 2 थीटा वहां जाके क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ, यहां जाके बन जाएगा π/2 + 2 थीटा, है ना। अच्छा अब यहां पे साइन इनवर्स एक्स है, उसको उठा के उस तरफ ले जाओ, क्या बन जाएगा, साइन π/2 + 2 थीटा, यही बनेगा ना। अच्छा अब आप लोग अपने ना 11th क्लास याद करो, 11th क्लास याद करो, हाँ भाई, साइन π/2 π/2 + थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों आपको, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको साइन की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। लेकिन π/2 जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री में चेंज करते हैं, तो ये क्या बनेगा, कॉस और थीटा का 2 थीटा, थीटा का 2 थीटा, ठीक है जी। यहां तक आ गए, यहां तक कोई परेशानी नहीं। अच्छा अब हमें कहाँ पहुंचना भाई, अब हमें पहुंचना है कि इसकी वैल्यू को हम एक्स तक लेके जाए, इसकी वैल्यू को हम कहाँ तक लेके जाए, एक्स तक लेके जाए। अच्छा तो 1 - x बराबर, हाँ भाई जल्दी बताना, जल्दी बता दो कि कॉस 2 थीटा में क्या मैं 1 - 1 - sin² 2 थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल। हाँ जी, तो देखो जरा क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे sin 90 + थीटा। तो sin 90 + थीटा क्या होता है, जल्दी बता दो, sin 90 90 + थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन 90 है तो क्या रहेगा, हाँ चेंज, तो cos 2 थीटा, ठीक है। अच्छा अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - sin² थीटा, ओ सॉरी 2 थीटा लिख दिया मैंने, थीटा, 1 - sin² थीटा, यहां तक बन गया। 1 - x = 1 - हाँ जी जल्दी बताओ, साइन थीटा को मैंने क्या लेट किया है, एक्स, तो क्या मैं यहां पर एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ कि ना। अब क्या करेंगे जल्दी बोलो, 1 से 1 कैंसिल, माइनस का एक्स स्क्वायर यहां पर आके प्लस का एक्स बराबर 0, इन दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बनेगा x - 1 = 0, x - 1 = 0, कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हम। 1 - 2 sin² थीटा, 1 - 2 sin² थीटा, यहां पे 2 आएगा, ठीक है, यहां पे क्या आएगा, 2। अब देखो इस माइनस को 2 को लेकर आओगे प्लस, ठीक है, और फिर जब एक्स कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा क्या भाई, एक्स कॉमन लिया, अंदर बचा 2x - 1 = 0। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, एक सिंपल सा काम करेंगे, इस एक्स को 0 के बराबर और इस 2x - 1 को 0 के बराबर, तो ये तो पहले से ही 0 आ गया, और यहां पर x बराबर -1, 2 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड, तो x के बच्चों दो आंसर आए, एक आया 0 और एक आया 1/2। क्या सभी बच्चों को ये क्लियर हुआ, कैसे कि भाई sin 90 + थीटा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 - 2 sin² थीटा, ठीक है जी। अच्छा साइन थीटा किसके बराबर था, एक्स के, तो मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको और अच्छे से लिख देता हूँ, क्या पता कुछ को समझ में ना आ रहा हो, 2x² 1 से 1 कैंसिल, माइनस का 2 एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस का, एक्स कॉमन आ गया, अंदर बचा 2x - 1, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 बराबर, आंसर हमारा सब, ठीक है। चलो
ये करो फिर, एक एग्जाम्पल करवाता हूँ फिर मैं आपको, एक आपको एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। हाँ जी, एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। ये देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 12 है बच्चों, ये तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, सभी बच्चों ने ये नोट कर लिया होगा। एग्जाम्पल नंबर 12 करते हैं अब। एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल है। हाँ जी, क्या है? सिंप्लीफाई करना है। टेन इनवर्स ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, ए बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स। ठीक है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, हमें इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, हाँ भाई देखो जरा, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो भाई भाई खत्म, मैंने क्या बताया तुम्हें कि जब भी टेन बाहर दिख जाए और अंदर कॉस और साइन वाला हिसाब किताब दिख जाए तो हमें क्या बनाना होता है? हमें टेन बनाना होता है। हमें क्या बनाना होता है? टेन। तो भाई मैं टेन कैसे बना सकता हूं? भाई मैं टेन बना सकता हूं इसको कैसे, जब मैं साइन के नीचे कॉस ले लूं। लेकिन बच्चों, हमने अब तक पीछे जो क्वेश्चन किए थे उसमें सिर्फ कॉस और साइन थे, लेकिन यहां पर एक चीज फालतू की जुड़ गई। क्या चीज जुड़ गई भाई? क्या जुड़ गई बताओ जल्दी? यहां पे जुड़ गया भाई क्या? ए बी, ए बी, ये जुड़ गया। अच्छा, अगर मैं इसको, अगर बच्चों मुझे ये बताओ, अगर ये कुछ ऐसा लिखा होता, ध्यान से देखो, अगर ये कुछ ऐसा लिखा होता तो आप क्या करते? आप करते इसे कॉस से डिवाइड, और कॉस से डिवाइड करके ये बनता वन, ये बनता टेन, ये बनता वन, ये बनता टेन, और इसके मल्टीपल में आप वन ले लेते। ठीक है, तो मुझे ये बताओ यहां पे वन कैसे बन सकता है? यहां पे वन तब बन सकता है, अब जैसे यहां पर ए है, यहां पर बी है, यहां पे बी है, यहां पर ए है, यही है ना? अच्छा, यहां पे वन कैसे बन सकता है? यहां पे वन तब बन सकता है जब मैं इसको किससे डिवाइड करूं? ए कॉस एक्स से। ठीक है, यहां पे तब बन सकता है। लेकिन यहां पे वन कब बनेगा? यहां पे वन तब बनेगा जब मैं बी कॉस एक्स से डिवाइड करूं, बी कॉस एक्स से डिवाइड करूं। तो भाई अब एक बात बताओ, ऊपर और नीचे अलग अलग से थोड़ी मल्टीपल कर, ये डिवाइड करेंगे हम, तो सेम से ही डिवाइड करेंगे। ये बात सही है कि नहीं? अच्छा, अब जब हमें सेम से डिवाइड करना है तो मैं क्या सोचूं? तो मेरे सोचने के लिए एक अच्छी बात ये सामने आ रही है मेरे बच्चे, कि हम अगर यहां पे वन लाना इतना जरूरी नहीं है जितना वन लाना जरूरी यहां पर है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्रिएशन हम नीचे वाले को ही देख के बना सकते हैं। तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर मैं इस वाले नीचे वाले को वन बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूं? सबको डिवाइड कर देता हूं किससे? बी कॉस एक्स से। क्यों कर देता हूं? देखना भी आपके सामने नजर आएगा। तो डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय बी कॉस एक्स, ध्यान से देखना, टेन इनवर्स ए कॉस एक्स अपॉन में बी कॉस एक्स, बी साइन एक्स, बी कॉस एक्स। अब देखो यहां पे सिर्फ टेन बनता हुआ दिखाई दे गया, लेकिन अगर मैं इधर ए से करता तो क्या होता? बात नहीं बन पाती। अच्छा, अब इधर देखना, अब इधर मुझे प्रॉपर तरीके से क्या मिल गया? वन मिल जाएगा, और मुझे इधर भी प्रॉपर तरीके से क्या मिल जाएगा भाई? वन मिल जा, ये टेन मिल जाएगा। लेकिन एक दिक्कत रहेगी, उस दिक्कत का सामना हम करेंगे अभी 2 मिनट में। हाँ जी, तो देखो ये पूरा कट के तो वन बन गया, ये पूरा कट के क्या बनेगा? टेन इनवर्स ए बी माइनस, बी से बी कट गया, टेन एक्स, ये वन बन गया, ये आ गया ए अपॉन बी, ये क्या बन गया? टेन एक्स। ठीक है, ये क्या बन गया? टेन एक्स। अच्छा, अब मैं यहां पर ऐसा क्या करूं, अब मैं यहां पर ऐसा क्या करूं कि मुझे फॉर्मूले में जो मुझे जो इसे सिंप्लीफाई करना है, मुझे जो इस पे सिंप्लीफाई करना है, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा ये इजी तरीके से सॉल्व होके बाहर निकल जाए? जल्दी बताओ, जल्दी सोचो। हाँ, क्या होगा? अब देखो ध्यान से देखना, इसमें ना फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा वाला? याद करो, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई वन प्लस एक्स इंटू वाई किसके बराबर होता है? जल्दी बता दो, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, ये याद आया फॉर्मूला? तो बस, क्या ये आपको टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई जैसा नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। हाँ, सॉरी, एक मिनट एक मिनट, अच्छा नीचे प्लस आएगा यार, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो क्या लगा? टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, तो ये आ गया आपका टेन इनवर्स एक्स की जगह पे कौन है? ए बी,
हाँ जी, ये क्या बनेगा, टेन इनवर्स वाई, वाई की जगह पे कौन है, टेन एक्स, तो हो गया। तो ये रहेगा टेन इनवर्स ए अपॉन बी, टेन से टेन कट गया एक्स, यही हमारा सिंप्लीफाई आंसर है, उतार लो, यही हमारा सिंप्लीफाई आंसर है। ठीक है, इसी के बेस्ड पे एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, वो देख लो। एग्जाम्पल नंबर 13, टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x बराबर पाई बाय 4, ये करना है। ठीक है, अब देखो इसको, देखो टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स y, यही है ना, टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स y, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो इसको बना दो यार। टेन इनवर्स x 2x माइनस y कितना है, 3x। एक काम करते हैं ना, इसको पहले सही से लिख लेते हैं, बड़े एंगल को आगे रख लो, छोटे एंगल को पीछे रख लो, ताकि माइनस का झंझट ना हो हमारे पास, सही बात है। अब लगाओ फॉर्मूला, टेन इनवर्स 3x माइनस 2x 1 प्लस 3x इंटू 2x, है ना। अच्छा किधर, किधर प्लस है, तो प्लस ही तो है फॉर्मूले में, 1 प्लस 1 माइनस, यहां पे बच्चों प्लस वाला फॉर्मूला लगाना, प्लस वाला लगाओगे तो ये बन जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। ठीक है, अब क्या बन जाएगा, देखो टेन इनवर्स वहां जाके क्या बन जाएगा, टेन, और ये बन जाएगा 5x, 1 माइनस 3 टू जा 6x स्क्वायर, टेन वहां जाके बन जाएगा 10π/4। अच्छा ये बन गया 5x, 1 माइनस 6x स्क्वायर, 10π/4 की वैल्यू 1, कुछ नहीं है, तो एक इसके नीचे एक इसके नीचे, 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर, सबको उठा के इधर ले आओ, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0, फैक्टर बनाओ, क्या बनेगा 6 का फैक्टर, 2 और 3, है ना, तो ये बन गया 2x प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0, नहीं भाई ये नहीं बन रहा है, कुछ और बनेगा, जल्दी बताओ क्या बनेगा, 6 और 1 बनेगा, है ना, तो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1x माइनस 1 बराबर 0, तो 6x कॉमन आ रहा, तो x प्लस 1 बचेगा, हाँ कि ना, माइनस 1 कॉमन आ रहा, तो x प्लस 1 बचेगा, हाँ कि ना, हाँ भाई, अब क्या बच गया, x प्लस 1 और 6x माइनस 1 बराबर 0, तो एक बार x प्लस 1 को 0 के बराबर, और एक बार 6x माइनस 1 को 0 के बराबर, तो x की वैल्यू माइनस 1, x की वैल्यू 1/6, दो वैल्यू आ गई, करो इसे, x की वैल्यू 2 आ गई, एक माइनस 1 और एक 1/6, करो। ठीक है, हाँ अगर सेटिस्फेक्शन पूछे ना, तो पुट करके देख लेना कि हाँ भाई सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, कि सेटिस्फाई कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, तो कैसे पता करोगे, यहां पे रख के, यहां पे रख के, क्योंकि 10π/4 क्या होता है, 1, अब यहां पे रख के देखो क्या ये पूरा सॉल्व करके 1 बना रहा है, तो रखना जरा, यहां माइनस 1 रखोगे माइनस 5, यहां माइनस 1 रखोगे तो कितना आएगा, देखो 5 ये माइनस 1, ये 1, 6 माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना बनेगा, माइनस का 5, 1, ये 1 का स्क्वायर तो बन ही रहेगा, तो माइनस का 6, माइनस 5, माइनस 5, वही कट के 1 आ रहा, तो इसका मतलब सेटिस्फाइड है। ठीक है, और क्या है, 1/6, नहीं 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 भाई ये सेटिस्फाई नहीं होगा, सॉरी 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 भाई, नहीं होगा सेटिस्फाई ये, पता क्यों, क्योंकि रेंज में तो 1 माइनस 1 बनेगा ही नहीं ना, रेंज में तो बनेगा ही नहीं, सेटिस्फाई नहीं होगा, ये हो जाएगा सेटिस्फाई 1/6। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूं अपनी तरफ से, एक दो क्वेश्चन देख लो यार, अच्छे, अब कुछ अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चन करा देता हूँ।
हाँ भाई ये क्वेश्चन देखो, एक ये क्वेश्चन अच्छा है लग रहा मेरे को, नोट तो कर लिया होगा। एक क्वेश्चन और देख लो ये, ठीक है? फिर मैं सोच तो रहा हूँ कि इसकी एक क्लास और लूँ आपकी। आज डे क्या है? आज सैटरडे, सैटरडे है ना? ठीक है, एक क्लास और लेंगे इसकी, एमएल अग्रवाल से एक और लेंगे। तो फिर एक काम करते हैं, मैं उसी क्लास में एमएल अग्रवाल शुरू करूंगा, ठीक है? मैं अब नेक्स्ट क्लास में एमएल अग्रवाल शुरू करूंगा, और उसमें कम से कम मैं आपको 10 से 12 क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ बोर्ड पर एमएल अग्रवाल के, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? तो आज मैंने आपकी एनसीईआरटी पूरी खत्म कर दी है, ठीक है? और अब रह गया एमएल अग्रवाल, तो एक क्लास एमएल अग्रवाल की भी हम ये आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग फिफ्थ चैप्टर शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट वीक में फर्स्ट डे तो आपका शुरू होगा एमएल अग्रवाल, उसके बाद हम शुरू करेंगे क्या भाई? उसके बाद हम शुरू करेंगे फिफ्थ चैप्टर, ठीक है? चलो, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।